कल शाम को एक खबर आई और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये खबर अपने ग्लोबल अफेयर्स हैंडल से लगाई कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 अकाउंट्स के पोस्ट्स को डिलीट करने का और विदहोल्ड करने का निर्देश हुआ है। अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने ऐसा किया और उनका कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई भी खलल पड़े उसके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ये निर्देश आए हैं। उनमें से एक पोस्ट, और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है ये करने का, चुनाव के दौरान अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ भद्दी गंदी या सब टिप्पणियां कर रहा है, बिल्कुल हक है इलेक्शन कमीशन को करने का। लेकिन एक पोस्ट जिस पर थोड़ा सा अचरज हुआ देखकर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था, और इलेक्टोरल बॉन्ड को ढकने का, उसको छुपाने का बहुत प्रयास मोदी सरकार कर रही है। चाह कर भी नरेंद्र मोदी जी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आजाद भारत का वो सबसे बड़ा घोटाला है, वसूली रैकेट चल रहा था, चंदा दो धंधा लो हो रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तो क्रमवार तरीके से नाम भी और डेट भी सामने आ गई है, कब किसने उनको पैसा दिया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कब किसके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी, रेड इधर होती है, पैसा इधर दिया जाता है, फटाक से एक आदमी अप्रूवर बन जाता है, नहीं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। तो पूरा वसूली रैकेट, पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा था, जो चंदा दो धंधा लो, जो कट लेकर काम दिया जा रहा था बड़ा, उसका पूरा खाका मिल चुका है, वो अपोजिशन के हाथ में वो ब्लूप्रिंट है, और जब समय आएगा तो कार्रवाई जरूर होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आपत्तिजनक लगा इलेक्शन कमीशन को, ये थोड़ा सा हतप्रभ करने वाला विषय है, और इसके चलते दो चार चीजें यहां पर बोलनी जरूरी हैं। और जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया को, अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया को अपना मुख्य पत्र बना लिया है। अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया में आज सवाल पूछे नहीं जाते हैं सरकार से, सरकार को कटघरे में खड़ाना तो दूर, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा नहीं होती। अधिकांश मीडिया आज वही घिसी पिटी मोदी जी की स्क्रिप्ट, वही विभाजन की बातों को ज्यादा प्रचारित करता दिखता है। मीडिया मोदी जी से ना नौकरियों पे, ना बेरोजगारी पर, ना किसानों की दुर्दशा पर, ना महंगाई पर, ना आर्थिक असमानता पर, ना बढ़ती हुई गरीबी पर, ना हर घंटे दो युवाओं की आत्महत्या पर, ना महिलाओं के साथ शोषण पे और संरक्षण आरोपी को देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए, क्योंकि वहां पर एक आपको अल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है, और क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो भी एक मुद्दा उठाना यहां पर जरूरी है।